हाय गाइस नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज हमको मिले हैं एक भैया, मैं न्यू हिंदवाज मोबाइल शॉप पर बैठे थे, यहीं पर हमको एक यूट्यूबर मिले हैं, मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा नाम और किस प्रकार का ये वीडियो बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को। चलिएगा भैया से बात करते हैं। भैया जी आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम नितिन है। नितिन जी, नितिन जी आप क्या करते हैं और किस प्रकार का वीडियो बनाते हैं? जैसे मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ में मैं वीडियो भी बनाता हूँ, जैसे हॉरर वीडियो। मैं और मेरा दोस्त जैसे जाते हैं कहीं पे, कोई भी कमेंट करता है कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है, तो रात में हम जाके वहाँ पे पूरी जांच करते, देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि नहीं है। मतलब एक रिसर्च ऐसा करते हैं कि कोई भी जी मतलब किसी ने कुछ कहा तो आपने उसको प्रैक्टिकली रिसर्च करते हैं कि यहाँ पर एक सच क्या है क्या झूठ है। जी जैसे हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि हमारे यहाँ पर बहुत ये ऐसा वैसा है, कुछ हॉरर की कुछ वो मिलती हैं, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। वहाँ पे जाके रात में मैं और मेरा दोस्त रात में रुकते हैं, पूरी रात वहाँ पे बिता के तब वहाँ से वीडियो बना के आते हैं। नितिन जी का कहना है कि कोई भी व्यूवर जो होता है वो कमेंट करके बोलता है कि आपने गलत कहा, या जैसे कि मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि भूत क्या होता है, कि फला जगह पर भूत मिलता है, एक जंगल है वहाँ पर भूत मिलता है, तो इनका कहना है कि लोगों ने कहा कि मान लीजिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पर भूत मिलता है वहाँ पर नितिन जी और नितिन जी के एक पार्टनर हैं, वो जा करके भूत का एक रिसर्च करते हैं कि सच में यहाँ पर भूत है या नहीं है। ऐसा आपने कभी किया है क्या नितिन जी? जी बिल्कुल किया है। जैसे कमेंट आया था अभी लखनऊ से, जी मेरा दोस्त है वो लखनऊ में सिबड़ कर रहा है इस टाइम, जी तो वहाँ से कमेंट आया कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये दिक्कत है वो है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा आ जाओ नितिन यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे गया तो क्या था, एक शमशान था जो वैसा मतलब बच्चे गाड़ते हैं ना, फिर बाद में जैसे अब तो गंगा जी पे लोग ले जाते हैं, तो वहाँ पे ख़त्म हो गया गाड़ना, पर बोल रहे आत्माएँ वहाँ पे भटकती हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे कुछ एक्टिविटी मिली वो आत्मा की, तो बताया वहाँ पे उनकी आत्माएँ भटकती हैं, जिससे काफ़ी लोग वहाँ पे गए और डरे, उन्होंने ही मेरे पास कमेंट किया और रचित ने कहा यहाँ पे आओ और वीडियो बनाते हैं, तो मुझे वहाँ पे सबूत मिला इसका। सबूत पे आपको क्या ऐसा मिला कि जिससे कि आपको लगता है कि नहीं सच में भूत होते हैं, सच में आत्माएं भटकती हैं? हम तो ऐसा नहीं मानते कि भूत भी होते हैं या आत्माएं भी भटकती हैं, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सच क्या है, कि आपने प्रूफ क्या मिला आपको वहाँ? देखो प्रूफ मुझे ये मिला, जैसे मैं वीडियो बनाने गया वहाँ पे तो कुछ एक्टिविटी, जैसे मान लो पेड़ हिला, कुछ लोग कहते हैं जैसे पेड़ कहीं फट जाता है कहीं हिलता है, तो मुझे ये सबूत मिला। उसके बाद जैसे ये बताया जाता है जहाँ पे आत्मा होती है वहाँ पे कभी कभी बहुत अच्छी सुगंध आती है और कभी कभी बहुत गलत सुगंध आती है, वहाँ पे ये आत्मा होने का ये संकेत होता है। मतलब दो प्रकार से कैसे कि या तो सुगंध अच्छी आएगी या गलत आएगी, तो मतलब दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? आत्मा है तो वहाँ पर दोनों चीज़ें हमको नहीं लगता कि पॉसिबल है। बता रहा हूँ, जैसे एक तो होती है जैसे अच्छी सुगंध जैसे सेंट वगैरह की, ये होती है जो लेडीज आत्मा, जो लेडीज आत्मा होती है ना जी, उसकी आत्मा होती है लेडीज की। और जो आपका कहने का मतलब है कि जो औरत जब ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी आत्मा जब भटकती है तो वहाँ पर सुगंधित होती है। जी जहाँ पे कहीं कहीं अपना वो प्रूफ छोड़ती हैं सुगंध होने का। और जो मांस की आत्माएं होती हैं आदमी की, वो होती हैं शराब की महक आती है, दारू की महक आती है। मैंने काफ़ी बार ये ट्राई किया है ये चीज़। जी हमारे व्यूअर को ये भी बताइएगा कि अभी तक आपने लगभग कितने रिसर्च किए हैं कि आत्माएं होती हैं, और कितने परसेंट आपने उसको सच पाया है? जैसे कि आपने अभी कहा था कि वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं, भाई ये हवाएं तो चलना ही नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है, तो हवाएं तो चलती हैं, हवाएं ऐसा तो कि मतलब कहीं भी हवा चलेगी पेड़ हिलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ भूत है वहाँ पर? नहीं, ऐसा है जैसे मैंने 5-6 करीब रिसर्च की होगी, उसमें से करीब 5 जैसे मान लो 6 रिसर्च हैं, 6 में से 5 में मुझे कुछ नहीं मिला। एक में जो मैंने बताया था
कि पेड़ एड़े ढेला जो, इसी में मुझे ये एक्टिविटी मिली जो लखनऊ में मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, उसने बुलाया था, जो हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, वहाँ पे ये एक्टिविटी मुझे मिली। अच्छा चलिए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आपने रिसर्च किया, वहाँ पर आपको ये एक्टिविटी मिली। क्या टाइम हुआ था जिस टाइम आप रिसर्च कर रहे थे, वो दिन था या रात था, क्या समय था? टाइम 12:30 का था, आपको सही बताएं 12:30, क्योंकि मैं निकला था 9 बजे। 9 बजे के बाद जैसे जंगल था, जंगल से रोड पे मैं काफ़ी दूर बैठा रहा, और जब टाइम हुआ तभी उसी टाइम पे गया। अच्छा नितिन जी, आपको लगा कि नहीं यहाँ पर सच में भूत है, तो आपकी हालत उस टाइम कैसी थी? पतलून आपकी गीली हुई थी या नहीं हुई? नहीं, देखिए ऐसा हुआ था मेरे साथ, जब वहाँ पे वो पेड़ हिला तो वहाँ से मुझे भागना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा हो और मेरा पीछा कर रहा हो, और वहाँ पे तालाब भी था, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा भाग के, और बच गया मैं गिरते गिरते, लेकिन वहाँ से फौरन मुझे निकलना पड़ा। जान बचा के भागे? कुल बिल्कुल जान बचा के भागे, ये सोचा यहाँ पे है, हकीकत में बात सही है। अच्छा जब रिसर्च करने जाते हैं उस टाइम आपके पास क्या क्या होता है? देखिए फिलहाल में मेरे पास कुछ भी नहीं, उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं होता है, अगरबत्ती धूपबत्ती चाकू माचिस कुछ नहीं लेके जाते वहाँ पे, कुछ नहीं लेके खाली हाथ जाते हैं, सिर्फ मेरे पास कैमरा होगा और जो लाइट होगी और कुछ नहीं होगा। हाय गाइज, आप मेरे साथ देख रहे हैं नितिन जी को, और इन्होंने भूतों पर रिसर्च किया है, और एक बार ये अपनी जान जो है बचा के भागे, कह सकते हैं कि दुम बचा के ये भागे हैं वहाँ से, और भागते समय एक बार ये गिर भी गए होते। तो फ्रेंड्स ये जानकारी कैसी लगी, तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फिर मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।